आतंक का खात्मा करने में जुटी सरकार कोई कोताही बरतने के मूड में नहीं है। एक तरफ सेना ऑपरेशन ऑल आउट में जुटी है, दूसरी तरफ आतंकी फंडिंग के मामलों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में 12 जगहों पर छापेमारी की है। एनआईए ने श्रीनगर, बारामूला और हंदवाड़ा में आतंक की फंडिंग करने वालों के 12 ठिकानों पर छापे मारे हैं। ये छापेमारी कुछ कारोबारी और उनके करीबियों के ठिकानों पर की गई। एनआईए की लिस्ट में वटाली का नाम टॉप पर है। कारोबारी जहूर वटाली और उसके करीबियों के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक जहूर की अधिकतर संपत्ति दुबई, मुंबई, दिल्ली और चंडीगढ़ में है। जहूर वटाली के ड्राइवर मोहम्मद अकबर के घर भी छापेमारी हुई है। इसके अलावा तराहमा में एक वकील शफी के घर पर भी छापा मारा गया। आपको बता दें कि एनआईए कश्मीर में आतंकी फंडिंग की जांच कर रही है। घाटी में गड़बड़ी फैलाने वालों के कथित फाइनेंसरों की लिस्ट में टॉप पर जहूर वटाली का नाम है। वटाली के अलगाववादी नेताओं के साथ अच्छे संबंध बताए जाते हैं। सूत्रों के मुताबिक वटाली की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग के लिए मुखौटे के तौर पर काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।